शुरू है वीडियो। यस। हाँ तो देखो, आज 17 फरवरी है और कक्षा 12वीं का इंग्लिश का आज पेपर था और वही आज हम यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे सेक्शन सी, उसमें देखते हैं कितने सही हैं कितने गलत, आप भी चेक कर लेना। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, आई प्रिफर टी टू कॉफी, मैंगोज आर बींग बॉट, पैसिव वॉइस है, बींग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंगोज आर बींग बॉट, आनंद इज एम ए यानी एन आएगा, एन एम ए इन इंग्लिश, हैव यू ब्लैंक कंप्लेंट अगेंस्ट अस, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पे एनी, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन ईमानदार है, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, रूल्स ऑफ ट्रैफिक। फिर इसको हमें हु से जोड़ना है तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले तो द बॉय लिख दो, ये जो शुरू का सेंटेंस है इसको दो हिस्से में बांट दो, पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, इसको सबसे आखिरी में लिखना है, इज़ माई कज़न, सबसे शुरू में क्या कर लिख देंगे, द बॉय, सो द बॉय। अब ये जो सेकेंड सेंटेंस है उसको लिखो और जहाँ पे द बॉय लिखा है यहाँ पे हु लिख दो, हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, अब जो बचा इज़ माई कज़न, इज़ माई कज़न, यही बताया था ना कल। यस। फिर इसमें क्या करना है, हिज ब्रदर इज, जहाँ पे वेरी लिखा है वहाँ पे क्या कर देना है, सो सो स्टूडियस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, इसका हो जाएगा शी पुट सम इंक इन हर पेन, नेहा सेड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेहा सेड दैट she wanted to open that bag. Neha said that she wanted to open that bag. As soon as the boys saw the principal, they became silent. सबसे पहले तो as soon as की जगह क्या लिखेंगे, no sooner. अब ये जो the boys saw the principal, इसको interrogative बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, did the boys सी द प्रिंसिपल, अब लगाएंगे दैन और पूरा सेंटेंस उतार देंगे, दैन दे बिकेम साइलेंट, दे आर फ्लाइंग काइट्स, तो क्या हो जाएगा, काइट्स आर बींग फ्लोन, एफ एल ओ डब्ल्यू एन। और यहाँ पे सातवां जो है, वी लिव हियर सिंस 1952, जहाँ पे लिव लिखा है वहाँ पे हमें करना पड़ेगा हैव Been living. यह है सेक्शन सी के आंसर्स।